पहली बार इस देश में एक ऐसी घटना हो रही है जहां की प्रमुख राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस घुसकर न केवल कार्यकर्ताओं को पीट रही है, बाहर फेंक रही है, लेकिन पत्रकारों के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। ये फांसीवादी प्रवृत्ति और आने वाले फांसीवादी व्यवस्था का एक प्रतीक व प्रमाण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन से, कि इस प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में होना संभव नहीं है। अगर होता है तो निंदनीय है। जिसने भी आदेश दिए हैं हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या यही लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी का? यही लोकतंत्र है मोदी जी, शाह जी आपका? यही नहीं है। हमारी राष्ट्रीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को उठा के फेंका गया, उनकी पीठ पे लात मारी गई। क्या इस प्रकार का व्यवहार किसी भी पुलिस कर्मी से और पुलिस विभाग से ये कभी स्वीकार हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ी है, अन्याय अत्याचार खिलाफ लड़ी है। जब ब्रिटिश हुकूमत से हम लोग नहीं डरे तो इस हुकूमत से क्या डरेंगे? हर कदम पर इस भारतीय संविधान के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होते हुए लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे।